ये वही गुफा है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम जी ने 6 साल बैठकर तपस्या की थी, पर यहाँ पर तो कहानी की सिर्फ शुरुआत हुई थी। इसका अंत ढूंढने के लिए अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो मैं निकल पड़ती हूँ बोधगया की छुपी हुई दास्तान को ढूंढकर निकालने। तभी सूर्य देवता भी मेरी मेहनत को देखकर लुका छुपी का खेल खेलने लगते हैं, और इस खेल के चक्कर में मैं भी सीधी सड़क छोड़कर भटकने लगती हूँ बोधगया की गलियों में। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे दिखने लगते हैं आम के पेड़। अब गर्मी का सीजन हो और आम नहीं खाया तो क्या ही खाया, तो मैं भी लपक कर एक कच्चा आम लपक लेती हूँ इस लपकते हुए पेड़ से। पर कच्चा आम इतना खट्टा होगा ये मेरे प्लान में शामिल नहीं था, और ऐसे ही शामिल नहीं था ऐसे अननोन खेतों को एक्सप्लोर करने का। पर अगला मोड़ सब कुछ बदल देता है। चारों ओर ऐसे टेंपल्स दिखते हैं जो चाइना, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में दिखाई पड़ते हैं, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इन्हीं टेंपल को एक्सप्लोर किया जाए। तो सबसे पहले बारी आती है एक थाई टेंपल की, जहाँ पहुंचकर मुझे पता चलता है कि ये तो पिछले 3 साल से बंद है। इसके बाद बारी आती है कर्मा टेंपल की, जो लकीली खुला होता है। ये जगह इतनी सुंदर थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर एक चीज बयान कर सकती हूँ कि कभी कभी रास्ते से भटकना ही सही रास्ते को पाना होता है।